एवरीवन, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि रशिया में सेंशन के बाद जो है पैसे कैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने आपको दो मेथड इसमें बताए थे। पहला आपको बताया थे कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप डॉलर ला सकते हैं। दूसरा मेथड आपको मैंने आपको बाइनेंस बताया था, लेकिन यह बाइनेंस अभी काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई दूसरा ऐप लेने के बाद आपको USDT ट्रांसफर करनी पड़ती है और वो प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाती है। लेकिन मैं जो आपको एक प्रोसेस बताऊंगा बहुत आसान है और आप एक ही ऐप के थ्रू पूरा प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं और अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर बायबिट ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे फ्रेंड के फ़ोन में पहले से ही बायबिट ऐप डाउनलोड था। तो फिर आपको बायबिट ऐप के होम में ऊपर की तरफ आपको अकाउंट दिखेगा, अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो मेरे फ्रेंड के फ़ोन में पहले से ही आईडी लॉगिन है। अगर आप नए यूज़र हैं तो आईडी लॉगिन करने के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर या अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद वे आपसे अपना वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा जिसमें आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। अकाउंट के पास में आपको सर्च बार दिखेगा जिसमें आपको P2P सर्च करना है। P2P जैसा सेम बाइनेंस में होता था उसी के जैसा सेम है। इसके बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। नए पेज में आपको दो ऑप्शन ऊपर की दिखाई देंगे, बाय और सेल। तो उसको आपको बाय सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको USDT दिखाई देगा, उसमें USDT सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको अमाउंट दिखाएगा, तो उसमें आपको अपना अमाउंट डाल देना है। तो मैंने अपना अमाउंट डाल दिया है, उसको कन्फर्म कर देना है। उसके पास में आपको पेमेंट मेथड दिखेगी। पेमेंट मेथड में आप जिस भी पेमेंट मेथड से आप जो है सेलर को पैसे ट्रांसफ़र करें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑल कर लिया है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ जिस भी करेंसी से आप USDT खरीदना चाहते हैं वह आपको डालना है। तो मैंने यहाँ से INR डाल दिया है। इसके बाद आपको बाय के नीचे जितना परसेंटेज है, जिसके ऑर्डर ज़्यादा दिखें उससे आप बाय करना है। तो मैंने जिसके परसेंट या ऑर्डर ज़्यादा थे उसको सेलेक्ट करके बाय के क्लिक कर दिया है। बाय पे क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना फिर से आपका अमाउंट डालना है और फिर बाय पे क्लिक कर देना है पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो सेलर है वह आपको उसकी UPI आईडी दे देगा। UPI को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जिस भी ऐप से आप या गूगल पे या फोन पे से उसको पैसे ट्रांसफर करेंगे उस पे जाना है। पेस्ट करने के बाद उसको पेमेंट कर देना है। तो मैंने आप उसको पेमेंट कर दिया है और उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद फिर से आप बायबिट ऐप पर जाएंगे। बायबिट ऐप पर जाने के बाद यहाँ पर आप कंफर्मेशन करना है, यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। तो मैंने कंफर्म क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट सेलर पर क्लिक करना है। ऊपर की तरफ आपको देखेगा यहाँ पर आपको जो सेलर है उस पर आपको USDT रिलीज करने के लिए मैसेज करना है। तो मैं यहाँ पर उसको मैसेज कर देता हूँ, पेड प्लीज रिलीज। तो मैंने यहाँ पर मैसेज कर दिया है। मैसेज करने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, जो आपने पैसे ट्रांसफर करे थे उसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर उसको शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद जैसे ही वो आपको शीन करेगा तो यहाँ पर ब्लू टिक आ जाएगा, ग्रीन टिक। तो मेरा यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है, तो मेरा कंफर्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और मुझे USDT रिसीव हो चुके हैं। इसके बाद आपको गो बैक पे क्लिक करना है। गो बैक होने के बाद आपको फिर से P2P पे जाना है। P2P पे जाने के बाद अब आपको जो USDT आपने खरीदी है उसको आपको सेल करना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर सेल बाय के पास जो सेल है उस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं आपको INR की जगह अब मैं आप रुबेल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे अब रुबेल चाहिए USDT के बदले। उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैंने बाय पे देखा था उसी तरीके से मुझे परसेंटेज वगैरह देखना है और मुझे अमाउंट डालना है सेल के लिए। तो मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया है और इसके बाद मुझे वही सेम प्रोसेस पेमेंट मेथड सेलेक्ट करनी है। पेमेंट मेथड में मैं अब यहाँ लोकल कार्ड सर्च करना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लोकल कार्ड येलो है वह आपका टिंकोव है और लोकल कार्ड ग्रीन है वह आपका सिविर बैंक का कार्ड है। फिर आपको सेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट पे सेल पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर USDT के पास ऑल है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो मेरे सारे USDT यहाँ पर हो गए। फिर आपको दोबारा सेल पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ कुछ सेल दिख रहा है। फिर इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट बायर ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा, दोबारा से आपको कॉन्टैक्ट बायर पर क्लिक करना है और जो आपका बायर है वह आपसे आपका
अकाउंट नंबर मांगेगा। तो मैं यहाँ पर अपना टिंकॉप का जो अकाउंट नंबर है उसको शेयर कर देता हूँ। और जैसे मैंने शेयर करा है तो आप देख सकते हैं ऊपर मेरा पेमेंट आ चुका है। तो ये मेरा पेमेंट आ चुका है। इसके बाद आपको अपने जो USDT हैं वो आपको रिलीज करने हैं। तो आप नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिलीज नाउ का, तो आपको अपना जो USDT है वो आपको रिलीज कर देने हैं। तो मैंने क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी के लिए आप गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका OTP आएगा और वे डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके। तो इस तरह से आप बाइबिट ऐप के थ्रू अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।